नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एक्सप्रेस बाय सज्जाद सर। उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, और उसके प्रश्नावली 2.3 को आज हम समझेंगे और देखेंगे क्या क्या सवाल है। चलिए हम समझते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर नज़र आ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 3 ऑप्शन यहाँ पे है, फिर एक चौथा ऑप्शन भी है जो कि अगले जो है थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। तो बारी बारी से हमको जांच करना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गुणनखंड है x प्लस 1, जैसे x प्लस 1 बराबर मान लेते हैं कि 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस है 1, तो इधर आके साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। इसी माइनस 1 को क्या करेंगे, पहले पहला बहुपद में भरेंगे, फिर दूसरे बहुपद में, फिर तीसरे बहुपद में, फिर एक चौथा भी बहुपद दिया उसमें भी हम भर के जांच करेंगे कि किसमें भरने पर 0 आ रहा है। ठीक है, शेषफल 0 आ जा रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। चलिए इसमें भर के देखते हैं। एक्स प्लस 1 बराबर 0 अगर मान ले तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1 है तो इधर साइड बदलते ही माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी माइनस 1 को हम इस समीकरण में भर लेंगे, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1, फिर माइनस 1 प्लस 1। अब इसको माइनस का अगर घात 3 करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1। माइनस वाला देखिए, माइनस 1 माइनस 1 सेम है, तो माइनस 1 माइनस 1 सेम चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ देते हैं, फिर प्लस 1 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 हो गया। यहाँ पर जो है x की वैल्यू अगर माइनस 1 भर रहे हैं इस समीकरण में, सॉरी इस बहुपद में, तो कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। जैसे ही इस मान को इस बहुपद में भरने पर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वह जो मान है, ठीक है, वह उस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड है, यानी इस बहुपद का ये जो है ना गुणनखंड है। अब यही मान हम क्या भरेंगे, दूसरे बहुपद में भर के जांच करेंगे। दूसरा बहुपद में जांच कर लो, ये जो x प्लस 1 है इसके जगह पे हम क्या भर लें, माइनस 1 भर लें, इसमें माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसको जांच कर लें। तो माइनस का अगर घात 4 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 1, माइनस का क्यूब रहता है माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1, माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, और ये पहले से माइनस में है तो माइनस रहेगा और ये प्लस में है। तो माइनस वाला संख्याएं देखिए, फिर प्लस वाला, पहले प्लस वाला देख लेते हैं। प्लस 1 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, 1, 2, 3 वो है, तो 3 हो जाएंगे जुड़ के, माइनस 1 माइनस 1 2 हाली है तो जुड़ के माइनस 2 हो जाएगा। सेम चिन्ह को क्या करना है, जोड़ देना है। इसमें हम मान भरे हैं, एक्स की वैल्यू भरे हैं तो कितना आया, 1 आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी इस बहुपद का x प्लस 1 क्या है, गुणनखंड नहीं है। चलिए तीसरा भर के देख लें, माइनस 1 फिर से भर के देख लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का घात 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 गुणा 1 का घात 3 करेंगे तो माइनस 3, फिर प्लस में 3 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1, फिर ये माइनस 1 दिया है, फिर प्लस में 1 दिया है, 1 3 एकम 3, 3 में माइनस 1 से गुणा होगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 से करेंगे गुणा तो ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 है और फिर प्लस में भी 1 है, तो 1 जो है देखिए प्लस वाला कॉग है, 1 यहाँ पे 2, तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस में 3 है, फिर प्लस में 3 है, फिर माइनस में 1 है,
अब क्या करना होगा, अब क्या करेंगे, दो माइनस तीन, तीन में से दो घटेगा तो माइनस एक, फिर प्लस में तीन, फिर माइनस में एक, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो घट के तीन में से एक घटा दो, बड़ा तीन था प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस का चिन्ह, अगला चिन्ह माइनस है फिर एक है, दो में से एक घटेगा तो एक, इसमें भी जीरो नहीं आया, इसका मतलब है कि ये भी क्या है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यानी ये जो बहुपद है x प्लस वन इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चार समझते हैं, पहले का चौथा समझते हैं, इसमें मान भर के देखेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट टू, ये आपका क्वेश्चन है, बहुपद है, इसमें हमको मान भरना है x प्लस वन का। तो x प्लस वन बराबर अगर हम जीरो मान लेते हैं तो जैसे ही हम साइड चेंज करेंगे प्लस वन का, बाएं से दाएं भेजेंगे तो इसके सामने का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस एक हो जाएगा। अब इसी माइनस एक का मान x जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको पुट कर देना है, तो यहाँ पर भर दिया गया है एक्स क्यू जगह पे माइनस एक का घात तीन, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक का वर्ग, माइनस में दो प्लस रूट दो है तो ऐसे लिखा गया, एक से जगह पे माइनस एक प्लस में रूट दो लिखा गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक का घात तीन है तो माइनस में एक ही आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा, माइनस एक का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, अब क्या करना है, दो से माइनस एक में गुणा तो माइनस दो, और प्लस रूट दो से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस में सॉरी माइनस में रूट टू हो जाएगा, फिर प्लस में रूट दो, माइनस एक माइनस एक, यानी सेम चिन्ह आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ये माइनस का चिन्ह है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो प्लस में दो, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी रूट में दो, ये प्लस में रूट दो है। जब भी आपको ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह नजर आए तो ब्रैकेट के अंदर का जो अगर माइनस होगा चिन्ह तो प्लस लिखेंगे, और प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, और ब्रैकेट को क्या करना होता है, हटा देना होता है। अब देखिए माइनस दो प्लस दो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी दो में से दो घटा जीरो, और प्लस एगो यहाँ पे रूट दो है और यहाँ भी एगो रूट दो है और बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो एगो रूट दो और एगो रूट दो कौ हो गया, तो दो गो रूट दो है, तो यहाँ पे दो रूट में दो लिख देंगे, जीरो का कोई वैल्यू है नहीं तो ये सिर्फ क्या हो गया, दो प्लस रूट दो। अब बताइए ये गुणनखंड है कि नहीं, यहाँ पे ये गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये मान जो भरा गया है माइनस एक, माइनस एक भरने पर शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, और शून्य जब प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दो समझते हैं। प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। तो ये पी एक्स की वैल्यू दी गई है और ये जी एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, पहला और ये इसका दूसरा है। तो हमको जांच करना है कि जी एक्स जो है ये जो वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन, क्या इस बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है, इसको जांच करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो जी एक्स की वैल्यू है यहाँ लिख देते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस वन, तो मान लेते हैं क्या इधर जीरो है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वन का जगह पे माइनस वन, क्योंकि एक जो है बाएं साइड में प्लस में है और इसका जैसे हम साइड चेंज कर देते हैं तो किसी भी संख्या का साइड जब बदलते हैं तो उसका चिन्ह भी क्या होता है उसके साथ बदल जाता है, तो प्लस के जगह पे माइनस एक। अब यही माइनस एक क्या करना होगा, इस बहुपद में हमको पुट कर देना है, तो टू एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस वन, जहाँ जहाँ आपको एक्स एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस एक भर देना है। अब गुणा करेंगे, दो गुणा एक का घात तीन है माइनस में तो माइनस में एक, और ये प्लस में एक का वर्ग करेंगे तो एक, माइनस दो गुणा माइनस एक तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दो एकम दो माइनस में एक दिया है, अब दो में माइनस एक से गुणा तो माइनस दो, फिर ये प्लस में एक, प्लस में दो लिखा है माइनस में एक लिखा है। अब देखिए माइनस दो है माइनस एक, पहले सेम चिन्ह वाला जोड़ लेते हैं, माइनस एक है माइनस दो है तो सेम चिन्ह को जोड़िए, तो माइनस दो और माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस में तीन,
बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लिखना होता है। प्लस एक प्लस दो कितना हो जाएगा, प्लस में तीन, तीन में से तीन घटा कितना हुआ जीरो, माइनस तीन प्लस तीन माइनस प्लस माइनस होता है तो तीन में से तीन घटाएंगे तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर भर रहे हैं और साइड बदलने पर माइनस एक आ रहा है, इस माइनस एक को जैसे ही हम बहुपद में भरे हैं, इस बहुपद में जैसे ही भरा गया है, इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ, जीरो प्राप्त हो गया। अब जैसे ही जीरो प्राप्त हुआ तो इसको लिखना होगा कि यह क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। जी एक्स पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, यहाँ पे लिख दीजिएगा यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आता तो क्या लिखते, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जीरो आएगा तो यहाँ पर लिखें गुणनखंड है। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। अब इसमें भी क्या है, एक्स प्लस टू है, जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है, मान लेते हैं क्या है इसके बराबर में जीरो, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में दो हो जाएगा, प्लस दो है तो माइनस दो साइड बदलते ही। अब इस माइनस दो को इसमें भर देना है तो माइनस में दो का घात तीन प्लस में तीन गुणा, जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको माइनस में दो भरना है, तीन गुणा माइनस दो प्लस में एक, दो का घात तीन है, माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस में आठ हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम आठ लिख देंगे और माइनस का चिन्ह। प्लस तीन गुणा दो का घात दो है तो दो को माइनस दो को हम दो बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, दो दूना का चार और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसके जगह पे प्लस में चार और प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। तीन दूना के छः, तीन गुणा दो माइनस में छः और प्लस में एक, अब क्या हो जाएगा माइनस में आठ और तीन चौका बारह माइनस छः प्लस में एक। अब देखिए माइनस वाला और माइनस वाला, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है सेम चिन्ह दिया है, सेम चिन्ह हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस आठ और माइनस छः कितना हो जाएगा जुट के चौदह हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देना है जो कि माइनस है। प्लस बारह प्लस एक तो बारह और एक कितना हुआ तेरह हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, चौदह में से तेरह घटा एक, बड़ा संख्या चौदह है जो कि इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह भी हमको लिख देना है। अब देखिए क्या है, जीरो नहीं आया, यहाँ पे लिख देंगे यह गुणनखंड नहीं है, यानी जी एक्स की जो वैल्यू है एक्स प्लस टू जो है इसका क्या है गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेसफल प्रमेय के अनुसार ये जीरो नहीं आए, जब तक जीरो नहीं आता है तब तक वह गुणनखंड नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन इसका जो है तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। पी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स और जी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स माइनस थ्री। अब हम क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, मान के चलते हैं इज इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस तीन का प्लस तीन हो जाएगा, साइड बदलते ही इसको प्लस में लिख देंगे। अब यही एक्स की वैल्यू तीन जो है इस जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है इस बहुपद में वहाँ वहाँ भरना होगा, तो एक्स क्यूब है तो यानी कि तीन का घात तीन, एक्स जगह पे तीन घात तीन माइनस चार गुणा एक्स जगह पे तीन का स्क्वायर प्लस में एक्स की जगह पे तीन प्लस में छः। तीन का घात तीन है तो तीन गुणा तीन गुणा तीन लिखेंगे तो सत्ताईस हो जाएगा, और माइनस चार गुणा तीन गुणा तीन दो घात है तो तीन गुणा तीन तीन तिया नौ प्लस में छः। अब क्या होगा सत्ताईस माइनस चार नवा छत्तीस, चार में नौ से गुणा करेंगे छत्तीस और प्लस में तीन प्लस में छः। अब जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, सत्ताईस के आगे क्या चीज़ है कोई चीज़ नहीं है प्लस है, तो सत्ताईस प्लस में है तीन प्लस में छः प्लस में है, तो सत्ताईस प्लस तीन प्लस छः कितना हुआ सत्ताईस और तीन तीस और छः छत्तीस और माइनस में छत्तीस दिया ही है तो छत्तीस में छत्तीस घटा कितना हुआ जीरो, गुणनखंड है क्योंकि सेसफल प्रमेय के अनुसार हम जांच कर लिए हैं और इसका आंसर कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। तो जब जीरो प्राप्त हुआ इसका मतलब यह मान क्या है गुणनखंड है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो आप इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो, पी एक्स का एक गुणनखंड हो, ठीक है। इसमें मान बताना है जैसे एक्स माइनस वन
दे दिया है और इसी को हम साइड बदल कर एक समान पहले ज्ञात कर लेंगे और सभी बहुपदों में भरेंगे। तो पहला है जैसे x माइनस वन है, मान लेते हैं जीरो है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक का प्लस एक। अब यही प्लस एक इसमें भर लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे भर लेंगे एक प्लस के, बराबर मान लेते हैं जीरो, एक का वर्ग एक प्लस के, एक और एक दो हो गया, प्लस में की हो गया, बराबर में जीरो। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो का साइड बदलेगा प्लस के जगह पे माइनस, एक किसका हो गया, के की वैल्यू माइनस दो। इसमें अगर जांच करें, अगर एक्स की वैल्यू हम फिर से यही चीज़ भर लें, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस एक हो गई। प्लस एक जहाँ भी है एक्स स्क्वायर, एक्स जहाँ भी है वहाँ पे एक को भर लेंगे, के गुणा एक्स जगह पे एक प्लस में रूट में दो बराबर जीरो। एक का वर्ग एक होता है, के में एक से गुणा करेंगे कि आ जाएगा और प्लस में रूट में दो बराबर जीरो, दो में एक से करेंगे गुणा तो दो प्लस के प्लस में रूट में दो बराबर जीरो। साइड चेंज किया जाए इस रूट दो का तो प्लस के जगह पे माइनस और प्लस दो के जगह पे माइनस में दो, एक तो आंसर ये हो गया। तीसरे का अगर सॉल्व करके देखें, चूँकि एक्स माइनस एक बराबर क्या मान लेते हैं जीरो, ठीक है, इसलिए x की वैल्यू माइनस के जगह पे प्लस वन, एक जो है इसमें हम भर देंगे k गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में रूट में दो है गुणा एक्स जगह पे एक प्लस में एक, तो k गुणा एक का वर्ग एक माइनस में रूट दो, एक से गुणा करेंगे दो आएगा रूट में और प्लस में एक बराबर क्या जीरो, k माइनस में रूट दो प्लस में एक बराबर जीरो मान लिया। अब साइड बदलेगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस रूट दो है माइनस रूट दो है, तो ये हो जाएगा, साइड बदलते हैं माइनस में, पहले माइनस रूट दो था अब ये प्लस में दो होगा, प्लस एक है तो ये साइड बदल के माइनस एक होगा, तो ये हो गया k का मान, तीनों बहुपद में k का मान ये ज्ञात हो गया, पहला बहुपद में माइनस दो आ रहा है, दूसरे बहुपद में रूट दो माइनस में दो, और तीसरा बहुपद में के का मान आ रहा है रूट दो माइनस में एक। ये आप चलिए, ये चार नंबर है, तीसरा का ये चौथा है, जिसकी वैल्यू देगी पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, दिया है एक्स माइनस वन, चूँकि एक्स माइनस वन बराबर क्या है जीरो है, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के जगह पे प्लस वन। अब प्लस वन इसमें हमको भर लेना है जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा है, तो के एक्स स्क्वायर यानी के गुणा एक का वर्ग माइनस तीन गुणा में x का मान कितना एक, प्लस में k बराबर क्या मान लेते हैं जीरो, k गुणा एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, माइनस में तीन में एक से गुणा होगा तो तीन, प्लस में k बराबर जीरो, k में एक से गुणा k माइनस तीन प्लस में k बराबर जीरो, k और k को हो गया तो दो गो हो गया k, माइनस में तीन बराबर जीरो, टू के बराबर कितना हो गया, माइनस तीन का जगह पे प्लस तीन, क्योंकि पक्ष बदलते हैं इसका चिन्ह भी बदल जाता है किसी भी संख्या का। अब दो जो है गुणा में है, दो गुणा के है तो सिर्फ के की वैल्यू कितनी होगी, तो तीन और दो गुणा में था तो बटा में यानी कि भाग के रूप में, तो के का मान आ गया तीन बटा दो। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर चार समझेंगे। क्वेश्चन चार है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको जो है ये बहुपद दिया गया है पहला, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करेंगे, पहला जो है पद है बारह एक्स स्क्वायर और अंतिम क्या है एक है प्लस में, इसको गुणा कर लिया जाता है तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहला और अंतिम में गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उसको हम दो भागों में बांटेंगे यानी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं दो एक्स गुणा छः एक्स, दो छः के 12 हो जाएगा, या फिर तीन एक्स गुणा चार एक, तीन चौका भी 12 होगा, ठीक है, या छः दूनी 12 या 12 एकम भी 12 हो जाएगा। तो इतनी संख्याओं को गुणा करके देखें तो 12 आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से जोड़ा में से क्या होगा कि एक जोड़ा ऐसा है जो हमारा आंसर है, ये तो गुणा करने पर आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यही एक एक जोड़ा देखेंगे, जैसे पहला हम देख लिए, जैसे दो एक्स और छः एक्स,
इन्हीं दोनों को जोड़ने पर चाहे घटाने पर क्या होना चाहिए हमारा ये मध्य पद यानी कि 7x माइनस में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर दूसरा देखेंगे, उससे भी नहीं है तो तीसरा देखेंगे, यानी या तो हम जोड़ के लाएँ या फिर घटा के लाएँ। तो दोनों करके देख लेते हैं, 2x में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 दो 8 हो जाएगा, हमको लाना है 7, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ना तो जोड़ने पर आ रहा है ना घटाने पर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको छोड़ देना है, इसमें हमारा आंसर नहीं आने वाला है। दूसरा देखें 3x 4x, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 भी हो जा रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो सकता है, गुणनखंड हो जाएगा। चलिए इसको देखा जाए, तो पहला पद सेम, चिन्ह जो पहला है सेम लिखिएगा, इसमें 4 और 3 में से जो बड़ा होगा पहले लिख देंगे 4x। अब देखिए जोड़ने पर आ रहा है ना 7, तो इसी का सेम चिन्ह यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि सेम चिन्ह क्या होगा जुटेगा, कौन सा पद है तो 3x है, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अंतिम सेम लिखना है, पहला और अंतिम बिल्कुल सेम उतारेंगे। ये मध्य पद को क्या करना होता है, दो भागों में विभक्त करना होता है, बांटना होता है। अब दोनों में कॉमन निकालें, जैसे इन दोनों में कॉमन पहले देख लेंगे, इन दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ वैसा अक्षर वैसी संख्या जो दोनों में हो, उपस्थित हो, या हम कहें तो दोनों को भाग कर दे वो। तो पहले इन दोनों में कॉमन देखिए, देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, दोनों में एक्स है, यानी एक से दोनों भाग करें तो भाग लग जाएगा, दोनों चार से कट भी जाएगा, तो एक तो कॉमन 4 है और दूसरा क्या है कॉमन एक्स है, यानी 4x से भाग कर दें तो 4 3 12 x बचेगा, और माइनस 4 1 4 भाग भी कर देंगे, इसमें माइनस है, इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ना तो x से दोनों में भाग लगेगा ना तो 3 से भाग लगेगा, तो बचा क्या 1, 1 से इन दोनों में भाग कर सकते हैं तो 1 कॉमन है, तो 1 से भाग करेंगे तो 3x, और प्लस माइनस में भाग होता है तो माइनस 1 में 1 से भाग होता है 1। देखिए दोनों सेम है तो ये को लिखना है, ये को छोड़ देना है। अब ये कॉमन देखिए 4x है और माइनस 1 है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, ये हमारा क्या बन गया गुणनखंड है। इसी का चौथा का दूसरा है बहुपद, 2x² + 7x + 3। अब क्या कीजिए, पहले 3 में 2x² से गुणा, तो 3 × 2x² यानी कि 3 × 6 x², इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे गुणा के रूप में, दो संख्याओं के रूप में, तो एक हो जाएगा 2x × 3x, तो 3 × 6x भी हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा। अब 6 कैसे आ सकता है, 2 × 3 = 6 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है, 6 × 1 = 6 भी हो सकता है, तो 1x × 6x, तो 6 × 1 कितना 6, और 6 में 1x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7x आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो 7 भी आ जाएगा और गुणा कर देंगे तो 6x² भी आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है इन्हीं दोनों में है। तो पहला पद सेम, पहला चिन्ह भी सेम, 1x और 6x बड़ा लिख दीजिए पहले, और जोड़ने पर आया तो सेम इसी का चिन्ह यहाँ पे उतार दीजिए, कितना x 1x, अंतिम सेम लिख देना है, पहला अंतिम पद बिल्कुल सेम, मध्य पद को ही अलग करके लिखना होता है। दोनों में देखिए 2 से भाग लग जाएगा, 2 × 2 = 2 3 = 6, और दोनों में x भी है तो यानी कि हमारा कॉमन 2x है, भाग करेंगे 2 × 2 x बचेगा, अब प्लस में 2 3 = 6 तो 3 बचेगा, 1 और 1 से आओगे कट जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या है 1 से दोनों में भाग लग सकता है तो 1 कॉमन है, 3 से दोनों में नहीं लगेगा भाग, x भी दोनों में नहीं है तो क्या कॉमन है 1 है, जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 से सारी संख्याएँ विभाजित हो जाती हैं, प्लस 3 × 1 से भाग तो 3 × 3, ठीक है। अब क्या करना है, भाई 2 गो है, एगो x + 3 है, एगो x + 3 है, तो ए गो लिखिए और उसके बाद से 2x + 1 है जो कॉमन किया गया उसको लिख देना है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब समझते हैं चौथा का है तीसरा, और उसके बाद से चौथा का चौथा समझ लेंगे, 6x² - 6 गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 36 माइनस में और 1x², 36 को दो हिस्सों करें तो 6 × 6 ही होगा, है ना, और क्या हो सकता है 6 × 6, एक तो ये हो सकता है 9 × 4 = 36 हो सकता है, ठीक है, 6 में 6 जोड़ेंगे
12, 6 में 6 कटाएंगे 0, हमको लाना कितना है 5, यानी कि इसमें हमारा आंसर नहीं छुपा है। दूसरा देखिए, 9 चौका 36 होगा और 9 में से 4 घटाएंगे 5 भी मिल गया, घटाने पर आ जा रहा है, गुणा करने पर भी 36 आ जा रहा है। तो गुणा करने पर 36 आ रहा है और घटाने पर 5 आ रहा है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, इन्हीं दोनों पदों को इसमें हम लिखेंगे। तो पहला अंतिम सेम पद लिख देना है। देखिए 6x² है तो 6x² प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, पहले जो चिन्ह है वही लिखना है। 9 है, ठीक है 9 लिखिए, 5 घटाने पर आया तो ठीक इसका उल्टा चिन्ह लिखना है, घटाने पर आ रहा हो तो ठीक विपरीत चिन्ह और जोड़ने पर आ रहा हो तो सेम चिन्ह लिखना होगा, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उसी का उल्टा चिन्ह लिखेंगे तो घटाने पर आ रहा है और जोड़ने पर आता तो इस जो प्लस है यही चिन्ह यहाँ पे लिख दिया जाता, माइनस होता जोड़ने पर आता तो माइनस का चिन्ह, यानी जो भी चिन्ह दिया है जोड़ने पर आ रहा है तो सेम चिन्ह लिखिए, घटाने पर आता तो इसका उल्टा चिन्ह लिखिए यहाँ पे। अगला अंक क्या है, 4x है, 4x अंतिम सेम लिखना है, 9 में से 4 घटाएंगे 5 भी आ जाएगा और 9 में 4 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल भी आ जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन, दोनों में एक्स है और दोनों में हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो 3 और x कॉमन निकाल लीजिए, दोनों को बारी बारी भाग कर देंगे तो 3 दुना का 6 और 3 तिया का 9, इन दोनों में कॉमन देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट जाएगा 2 से, तो 2 दुना का 4 और 2 तिया 6, माइनस माइनस का भाग होगा तो प्लस में। भाग कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है, देखिए जैसे 6x² में 3 से x से भाग करना है तो 6x² बट्टा में हम 3x लिख देंगे, तो 3 दुना का 6x, ठीक है यहाँ पे 2x है यहाँ पे 1 है तो 1 कट जाएगा, ठीक है तो ऐसे 2x हो जाएगा। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी आप भाग कर सकते हैं, जैसे 6x² है और बट्टा में 3x है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x गुणा x और बट्टा में 3 गुणा x। अब देखिए 1x काट देंगे, अब 3 दुना का 6 क्या बच गया, 2 और 1x बच गया, हो गया आंसर आपका। ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग भाग कीजिएगा और बनाइएगा। तो 3x और माइनस 2 एक जगह लिखेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दो को है तो ए को लिखिए, 2x प्लस 3 ए को लिखेंगे और जो कॉमन है 3x और ये माइनस 2 एक जगह कर दीजिए, ये आपका हो गया गुणनखंड, आपका आंसर हो गया। अब इसको समझते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस में 4 क्या करेंगे, 3 और 4 में गुणा कर लीजिए, 3x² गुणा माइनस में 4 कितना आएगा, माइनस में 12x². अब 12 को दो गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 6 गुणा 2 हो सकता है, 6x 2x 12x हो जाएगा x², ठीक है, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा ना, तो जोड़ने पर ही आएगा, इसका मतलब ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। और 12 कैसे लिखेंगे, तो 6 गुना 12 हो सकता है, 12 एकम 12 हो सकता है, 12x गुना 1x तभी भी क्या होगा, जोड़ेंगे 12x को चाहे एक घटाएंगे 12x 1x को तो x नहीं आने वाला है, क्योंकि 12 में से 1 घटेगा 11 होगा और 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। और कैसे हम 12 को लिख सकते हैं 2 को गुणा के रूप में, तो 3 चौका 12 लिख सकते हैं, 3x गुणा 4x माइनस में, तो 4 तीन 12 भी हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे 1 को x भी प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर 3x 4x में हो जाएगा। तो पहला पद सेम लिखिए, 3x² पहला चिन्ह सेम लिखना है, 4 तीन 12 हो रहा था तो 4x लिखिए और घटाने पर आया, देखिए 1x क्या आ रहा है, घटाने पर मिल रहा है, ठीक है तो 4 में से घटेगा 3 गो तब 1 गो आएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका विपरीत चिन्ह प्लस कर देंगे, घटाने पर आ रहा है प्लस उल्टा चिन्ह लिखिए, जोड़ने पर आ रहा है सेम चिन्ह लिखिए, यहाँ पे जो चिन्ह होगा 3x को घटाए हैं, अंतिम पद सेम बिल्कुल उतार देना है, पहला अंतिम बिल्कुल सेम, बीच वाला मध्य पद को तोड़कर अलग अलग करना होता है। कॉमन देखिए एक्स है दोनों में, 3 से 2 दोनों में भाग लगेगा नहीं, 2 से दोनों कटेगा नहीं, तो कॉमन क्या है, एक्स खाली कॉमन है, एक्स बाहर निकालिए इसको और दोनों में भाग करना है, तो एक्स से इसमें भाग करेंगे तो 3 और 2 एक्स था, 1 एक्स से भाग करेंगे कट जाएगा 1,
एक बचेगा माइनस में, एक एक्स कट जाएगा, बचेगा कौन चीज, चार एक चार बचेगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है दोनों में, देखिए दोनों में एक्स है नहीं, दोनों दो से कटेगा नहीं, दोनों तीन से नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, कोई संख्या नहीं है तो एक संख्या है, एक है, एक से भाग कर देंगे तो तीन एक्स माइनस में चार, दो गो है एगो लिखना है, तीन एक्स माइनस चार एगो लिखिए और एक्स प्लस वन एक जगह लिख दीजिए, ये हो गया आपका गुणनखंड। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में भी आ रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।